अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में कुछ कच्ची अंबियाँ, यानी कि कैरीज, ठीक है। आज हम इसकी खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे, जो हम कुंडी में बनाते हैं मिर्चों वाली, चीनी के बगैर वो नहीं। इसमें चीनी भी जाएगी और बहुत ज़बरदस्त होगी, जो कि आप खाने के साथ मेहमानों के सामने पेश कर सकते हैं, खुद खा सकती हैं। इसके लिए मैंने 1 kg जो है ना अंबियाँ ली हैं, और जिनको मैंने छील कर बारीक बारीक काट लिए है, ये देखें, ठीक है। ये मैं आपको बताती हूँ, इनको अच्छी तरह से यूँ छील लेना, ये देखें, ये छिलका सारा इस तरह से। एक मैंने रखी थी आप लोगों को बताने के लिए, अभी मैं बताती हूँ कि अंदर से भी हमने इसको कैसे करना है, ठीक है। नाज़रीन, आपको पता है विटामिन सी से भरपूर होती हैं अंबियाँ, और विटामिन सी जो है ना गुड फॉर हेल्थ, तो इसलिए इस तरह की चीज़ें ज़रूर बना लें। ये सिर्फ मैं 80 rupees की 1 kg मुझे मिली, ठीक है। और इससे अच्छा खासा जो है ना जैम वाली जो बोतल होती है ना, ये 2 bottles इसमें तैयार हो जाएंगी एक अंदाज़े के मुताबिक, ठीक है। सिर्फ 10 minutes लगते हैं बनाने में, ये छीलने में मुझे कोई 5-6 minutes लग गए हैं। जैसे हम सब्ज़ी के साथ ही इनको काट लें और हांडी पकाते हुए हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। इतनी ये ज़बरदस्त होती है, ये मार्केट से भी मिलती है, लेकिन जो घर की बनी हुई है फुल हाइजेनिक, ठीक है। इस चीज़ पे ज़रूर तवज्जो दिया करें, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा करें कि घर की बनी हुई जो चीज़ है वो किस कदर बेहतर होती है। कम पैसे लगते हैं, थोड़ी सी एफर्ट होती है, ज़्यादा एफर्ट वाली चीज़ें बेशक ना बनाएं अगर आपके पास टाइम नहीं है। ये देखें, ये इसकी जो वाइट गिरी सी होती है पार्ट होता है, ये भी मैंने निकाल दिया, और ये जो है ना ये है तो सॉफ्ट, लेकिन मैं इसको भी निकाल दूँगी, ठीक है। इस तरह से हम ये देखें इसको भी अंदर से हम निकाल लेंगे, ये अभी मैं आपको बताती हूँ, अच्छे से निकाल लेंगे। ये देखिए जब निकल गई बिल्कुल, और इसको बारीक बारीक काट लेंगे, ये देखिए इसको भी निकाल लेंगे, ये देखिए निकल गई। अब ये जो चीज़ है ना, है ये सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी मैं इसको निकाल दूँगी, क्योंकि इसके काले होने का अंदेशा होता है, ये हड्डी सी जो होती है, इसलिए कोई हमें हम ऐसी चीज़ या केमिकल इसमें नहीं डालेंगे, लेकिन ये आपकी आप 2-4 महीने बड़े आराम से रख सकते। नाज़रीन, इन चीज़ों को बनाने का मकसद ये होता है, अगर कोई मेहमान आपके घर में आ जाता है तो आपके पास अगर खाना रोटी सालन बना हुआ है तो उसके साथ आप ये रखें, सैलड रखें, ठीक है, एक रायता बना लें, आपकी टेबल अच्छी खासी सज जाएगी। इसलिए इन चीज़ों को घर में एक सलीका ज़ाहिर होता है खातून खाना का, ठीक है। और अगर हम सिर्फ सिंपल सालन रख दिया, रोटी रख दी, पानी रख दिया, तो वो थोड़ा सा जो है ना ऐसे लगता है कि जैसे हम मेहमानों से जान छुड़वा रहे हैं। ये देखें, सिर्फ थोड़ी इसमें चीनी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 100 नहीं तो 120 लग जाएंगे, लेकिन एक छोटी सी प्याली में या किसी बॉटल में जब ये आप रखेंगे, बहुत खूबसूरत लुक भी देगी और आपके सलीके को जाहिर करेगी, ठीक है। इसलिए इन चीज़ों को ज़रूर बनाया करें। और जहाँ तक टाइम का मसला है, तो टाइम इंसान ऐसी चीज़ों के लिए निकाल लेता है। दूसरा ये कि अगर आप बनाती रहें ऐसी चीज़ें, तो बंदा यूज्ड टू हो जाता है। आप यकीन करें, अभी मैंने हांडी भी पकानी है और उसके साथ ही ये बन जाएगी। सिर्फ इसको छीलने के लिए मैंने टाइम दिया है, तो ठीक है, ये हो गई है हमारी तैयार। ये देखें, छोटी छोटी मैंने काट दी हैं, 1 kg में से ये इतनी निकली है, और तकरीबन इतने ही हमारी जो है ना चटनी बनेगी। चले आए हम स्टार्ट करते हैं अपना कुकिंग प्रोसेस। जी नाज़रीन, एक पतीली रखी है, चूल्हे को मैंने ऑन कर लिया है। इसके अंदर जो है ना सबसे पहले तकरीबन 1 cup के बराबर मैं पानी डालूँगी, ठीक है। और इसके अंदर मैं लहसुन डालूँगी
लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ये टीस्पून के बराबर मैंने डाल दिया बारीक पिसा हुआ लहसुन। नाज़रीन आप देखते होंगे कि मेरी हर चीज़ में लहसुन ज़रूर होता है, हर डिश में, यानी विद स्वीट डिश नहीं, जो बाकी डिशेस मैं बनाती हूँ चावलों में हर चीज़ में। अच्छा, इसको पहले इसलिए डालेंगे ताकि ये इनके साथ ही पक जाए, ठीक है। अब मैं इनको इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छा नाज़रीन, जब ये आपने अंबियाँ जो हैं काट लेनी है तो फिर फौरन इनको कुकिंग के लिए रख देना, ठीक है। इसको आई थिंक इसमें पानी थोड़ा और जाएगा, ये कम लग रहा है जी। क्वार्टर कप जो है ना मैं और डाल दूंगी, ठीक है, और इनको अच्छी तरह हिलाकर हम पकने के लिए ढक देंगे, ठीक है। तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह गल ना जाए, और फिर मैं बताती हूँ और हम इसमें क्या क्या ऐड करेंगे, ठीक है जी। नाज़रीन, ये हमारी अंबियाँ जो हैं ये तकरीबन गल चुकी हैं, ठीक है। हम इनको पकाते हुए मैश करते जाएंगे और आप इसमें जो है ना बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है जी। नाज़रीन, इसमें सबसे पहले चिली फ्लेक्स, मैं घर की ये बनी हुई हैं, इनका ज़बरदस्त टेस्ट होता है बाज़ार की निस्बत, ये मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून। बाकी आप इसको ज़्यादा करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी और बची हैं, वो भी डाल देते हैं। इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, पिंक साल्ट मैं इसमें ऐड करूंगी, तकरीबन 1/2 टीस्पून, ठीक है। इसके साथ ही इसके अंदर जाएगी कलवंजी, तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है। कलवंजी के फ़ायद नाज़रीन आप जानते हैं कितने ज़बरदस्त होते हैं। अब इसको मैं पकने दूंगी, ठीक है, थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे ताकि इसकी मिर्चें वगैरह जो है ना पक जाए। इसको हम इसी तरीके से मैश कर लेंगे, ठीक है। 3-4 मिनट के लिए मैं इसको पकने दूंगी, फिर उसके बाद ऐड करते हैं हमने क्या ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह जी। नाज़रीन, अब हमारी जो चिली फ्लेक्स हैं यानी कि मिर्चें भी पक चुकी हैं, लहसुन की भी बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही, इस मौके पे अब मैं इसके अंदर 1 कप भर के जो है ना चीनी का ऐड करूँगी, ठीक है। और इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी का पानी जो है ना खुश्क ना हो जाए, और इसके साथ ही जो है ना हम इसमें जर्दा कलर ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि इसकी खूबसूरती भी निकले। अच्छा नाज़रीन, अगर आपको ये रेड चिली पसंद नहीं है तो आप इसके अंदर चिली फ्लेक्स जो मैंने डाले हैं आप इसके अंदर ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, वो भी मैं थोड़ी सी ऐड करूँगी लेकिन एंड पे, ठीक है। अब जो है ना इसके अंदर मैं जर्दा कलर ऐड करूँगी, क्वार्टर टीस्पून डाल लेते हैं, पानी मैं इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करूंगी, ठीक है। नाज़रीन, ये इतनी मज़े की ज़बरदस्त ये बनती है ना, इसके ज़रिए जो है ना हम कलवंजी को भी खा सकते हैं, क्योंकि ये कलवंजी इसमें डाली हुई है, तो वैसे तो हमें मतलब इतना नहीं बाज़ लोग तवज्जो देते, लेकिन जब किसी चटनी में या किसी चीज़ में डाली हो तो फिर डेफिनेटली हम इसको कंज्यूम कर ही लेते हैं, ठीक है। तो इस नियत से जो है ना ऐसी चीज़ें ज़रूर घर पे बनाया करें। अच्छा, इसमें थोड़े थोड़े चांस हैं, अगर आपको ये ना पसंद हो तो आप बिल्कुल मैश कर लें, ठीक है। हल्के हल्के से चंक्स होंगे मैंगो के तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आए। इसको मैं ढकूँगी क्योंकि इसके छीके उड़ रहे हैं, और 5 मिनट के बाद हम देखते हैं जी। नाज़रीन, ये अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ।
हाफ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर में ऐड करूंगी। ये एंड पे इसलिए कर रही हूँ ताकि इसका कलर जो है ना ख़राब ना हो। नाजिन इतने मज़े की बनी है ना, मैंने चेक करके देख लिया, चूल्हा मैंने बहुत हल्का किया है क्योंकि ये उड़ रही थी। अब आप देख लें, अगर आप इससे ज़्यादा गाढ़ा करना चाहते हैं तो इसको और पका लें, ठीक है। ये आप देख सकती हैं ऐसी ही ठीक है, क्योंकि ठंडे होने के बाद इसने और गाढ़ा हो जाना है। अच्छा, मैंने ब्लैक पेपर डाली है तो मैं इसको ना 2 मिनट के लिए ढककर हल्की आग पे या मीडियम आँच पे एक दफ़ा इसको पकाऊंगी ताकि टेस्ट जो है ना अच्छे तरीके से आ जाए। जी नाज़रीन, कैरी की चटनी हमारी रेडी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इसकी शक्ल है, ठीक है। अब मैं इसको ठंडा करने के बाद जो है ना बॉटल में बंद करूंगी। नाज़रीन ज़रूर बनाइए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हांडी साथ में सालन बना रही हूँ और इसको मैंने रखा था, सालन बनने से पहले ये तैयार हो चुकी है। ये देखिए मेरा सालन, सालन बनने से पहले जो है ना चिकन और माश की दाल मैं बना रही हूँ, उससे पहले ये तैयार हो गई। एक चूल्हे पे इसको रखा, एक चूल्हे पे उसको रखा। प्यारी बहनों, इस तरह के काम ज़रूर क्या करें। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें, बहन की हौसला अफजाई करें। अगर कोई टिप एंड ट्रिक्स आपको चाहिए किचन के लिए, ठहरे मैं चम्मच के साथ डालती हूँ क्योंकि गिर रही है। अच्छा, बोतल को अच्छी तरह साफ करके धो के जो है ना खुशक करके फिर आप डालें। अभी मैं डालती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, आप देख सकती हैं, ये देखिए चटनी इतनी मज़े की बनी है कि मैं कहती हूँ कि कमाल की चटनी बनी है। आप इसको नान पे लगा के खाएं, इतनी मज़े की लगेगी। इसको आप ब्रेड पे खा सकती हैं, रोटी के साथ खा सकती हैं, और अगर दाल बनी है तो चावलों के साथ, इसको दाल चावल के साथ, ये ज़रा चेक करें। प्यारी बहनों, चैनल को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, बहन की हौसला अफजाई करें और बहन के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे और अल्लाह ताला आपको भी हमेशा खुश रखे, औलाद की खुशियां देखना नसीब करे, हंसते मुस्कुराते रहें, ठीक है। नई डिश के साथ, नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नविदा वहीद को NW फूड सीक्रेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।